वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ संदीप द्विवेदी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम किसी exe BIOS फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करके रोम फाइल प्राप्त करते हैं। तो वो चाहे डेल की हो, एचपी की हो, या लेनोवो की हो, या एसर की हो, या किसी भी ब्रांड की जो लैपटॉप है उनकी exe BIOS को कैसे एक्सट्रैक्ट करके रोम फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये तरीका सभी exe BIOS पर अप्लाई होता है। कुछ ऐसे BIOS भी हैं जो इन्हें डाउनलोड करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद रोम फाइल नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि कंपनियों ने कुछ इस तरह का इनक्रिप्टेड उसे किया रहता है कि वो फाइलें काफी अलग अलग हो जाती है, उसके बाद भी आप रोम फाइल या BIOS फाइल को फाइंड नहीं कर पाते। पर ज्यादातर लगभग 75% या 75% के आसपास तो आप सभी लैपटॉप की BIOS को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे केस में मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ BIOS फाइलें, exe BIOS फाइलें डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो मैं उनको एक्सट्रैक्ट करके देखूंगा। तो सबसे पहले हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी BIOS को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे उन टूल्स में से आपको सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद 7-zip को भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। पर क्योंकि कुछ BIOS फाइलें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर से भी एक्सट्रैक्ट नहीं होती, पर 7-zip से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एक ही सॉफ्टवेयर के द्वारा सारी BIOS फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाएं, तो इसलिए आप यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर को भी इंस्टॉल कर लीजिए, विनरार को भी इंस्टॉल करके रखिए, और 7-zip को भी इंस्टॉल करके रख लीजिए। तो चलते हैं, मेरे केस में मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर को इंस्टॉल करता हूं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद विनरार ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल कर हो चुका है। अब इसके बाद मैं 7-zip को भी इंस्टॉल कर लेता हूं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 7-zip भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं HXD एडिटर, जो कि एक हेक्स एडिटर है जिसके द्वारा हम BIOS को मॉडिफाई करते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी मैं एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूं इसे। इसी के द्वारा हम सभी BIOS फाइलों को मॉडिफाई करते हैं। क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन। देख सकते हैं मेरा HXD एडिटर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधे अपने BIOS फाइलों पर, जहां पर मैंने exe BIOS फाइलें सेव करके रखी हुई है। ये BIOS फोल्डर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेरे पास HP लैपटॉप की BIOS है, ये लैपटॉप i7 है, और अभी तक में जितने भी बड़ा BIOS है, सबसे बड़े BIOS की साइज 8 MB से ज्यादा नहीं है, चाहे वो i7 हो, i5 हो, या i3 हो। तो स्वाभाविक है अभी सबसे हाईएस्ट लेवल पर i7 की BIOS होनी चाहिए। तो इसका लास्ट जो साइज है वो अभी तक मैंने देखा है 8 MB से ज्यादा अभी तक का BIOS नहीं बना है। तो ये एक HP के 15 सीरीज का लैपटॉप है i7, उसकी BIOS को मैंने डाउनलोड किया हुआ है exe को। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर से भी ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और 7-zip से भी। तो मैं यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर से इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ।
देख सकते हैं अभी ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं एक ये जो मेरी एचपी की बायोस थी वो एक्सट्रैक्ट हो गई, एक नया फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर को मैं खोलता हूँ, किसके अंदर है क्या क्या, कितना डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है। सॉरी, ओके वेल फ्रेंड्स, शायद किसी कारण से यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया ये, तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट विद करता हूँ आपका 7-zip से। सेवन जिप में गया, एक्सेप्ट फाइल्स में करता हूं। यस ओके, देख सकते हैं मेरा जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहां पे इनसाइड का एक सेटअप आया है एक्सी एक्सट्रैक्ट होने के बाद। अब मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट करूंगा, हमें तब तक एक्सट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि हमारी रोम फाइल ना मिले। आप देख सकते हैं मैंने ईएक्सई फ्लैश सेटअप को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है, तो हमें तब तक एक्सट्रैक्ट करते रहना है जब तक कि हमारी बायोस फाइल हमें नहीं प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं एक इनसाइड फ्लैश नाम का फोल्डर बन चुका है। अब यहां पे देखते हैं कि हमारी बायोस फाइल कहां पे है, तो ये देखते हैं, ये भी हमारी एक बायोस फाइल है, ये भी है हमारी एक बायोस फाइल है, ये भी हमारी एक बायोस फाइल है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें यहां पे 3 बायोस फाइलें मिली है सेम साइज की, 8 MB लगभग 9 MB के आसपास की, मतलब इसमें 2 बायोस फाइलें हैं इसके अंदर, एक 8 MB की बायोस है और एक केबीसी बायोस भी है। तो हमें पता कैसे चलेगा केबीसी बायोस की साइज कितनी है, तो इसमें से लगभग 512 MB की केबीसी बायोस फाइल है, तो इसको आप HXD एडिटर के थ्रू अलग अलग करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप केबीसी बायोस को डाउनलोड करिए, सॉरी केबीसी बायोस को आप रीड कराइए बायोस कॉपियर से, उसको सेव कर लीजिए, उसका डेटा निकाल के मैच करा लीजिए आप HXD एडिटर के थ्रू, फिर मेन बायोस को आप डेटा मैच करा के सेव करके राइट कर सकते हैं। पर सिर्फ हमें इस वीडियो में यह जानना है कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं बायोस फाइलों को। तो ये तो था HP के लैपटॉप के बायोस फाइलों के लिए। अब हम जानते हैं आगे कि एक मेरे पास डेल का लैपटॉप है, लेटेस्ट मॉडल है ये भी i7, तो मैं इसका बायोस कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो इस डेल के लिए CMD वाला मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके रखा है वीडियो कि कैसे कमांड प्रॉम्प्ट से आप डेल की एक्सी बायोस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहां मैं कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 7-zip के थ्रू। ये मैंने 7-zip पर आया, मैंने इसको भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है, डेल की एक फाइल है बायोस की, एक्सी बायोस है ये भी। मैंने यहां एक डाउनलोड करके डेल इंस्पायरॉन 4910 की बायोस रखी हुई है, अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स करता हूं। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद यहां पे मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा 4910 के नाम से, मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं रोम फाइल मुझे नहीं मिली है, और मैं इसे फिर से एक्सट्रैक्ट करता हूं एक बार फिर से। हमें तब तक ध्यान रहे एक्सी एक्सट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि हमें रोम फाइल नहीं मिलती है। तो यहां मैंने एक बार फिर से इस एक्सी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, उसके बाद मैं इसे क्लोज करता हूं, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूं। अब यहां हमें फिर से भी बायोस फाइल नहीं दिखी, तो .rsrc यानी डॉट रिसोर्स फोल्डर को ओपन करना है और 10-24 फोल्डर को ओपन करना है, इसके बाद RC डाटा को ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारी फाइलें खुल चुकी हैं,
यहाँ पे हमें साइज पर ध्यान देना है कि हमारे बायोस फाइल से मैच करती हुई साइज किसकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है 5 MB की फाइल यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बिन है, ना रोम है, ना WPH है, ना BS है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ है। बस हमें फाइल की साइज से पकड़ना है कि ये हमारी बायोस फाइल है। तो 5 MB की ये बायोस फाइल है, जिसमें से आपका 4 MB का बायोस फाइल हो सकता है, या 1 MB का KBC हो सकता है, या सिर्फ 4 MB की बायोस फाइल हो सकती है। तो कुछ इस तरह से जो डेल की बायोस है उसे आप 7 ZIP या यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर के थ्रू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी डेल की बायोस हैं जो कि इन टूल्स की सहायता से एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, उनके लिए फिर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मैंने पहले से अपलोड करके रखा हुआ है, आप चाहें तो वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके वेल फ्रेंड्स, अभी डेल का बायोस एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम एसर एस्पायर का एक जो लेटेस्ट मॉडल है ES1 512 लैपटॉप का बायोस एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसे यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर के थ्रू या 7 ZIP किसी के भी थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे। मेरे केस में आप देख सकते हैं एस्पायर E1 का जो बायोस एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आफ्टर दैट उसे एक्सट्रैक्ट करने के बावजूद यहाँ पे भी एक आपको एक exe फाइल मिलती है, इसे भी आपको एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। देख सकते हैं ये फाइलें एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं और ये अलग से फोल्डर बन चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया उस exe को, उसके बावजूद भी हमें बायोस फाइल कहीं भी दिख नहीं रही है। अब हम क्या करें? अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा साइज किसकी है। सबसे ज्यादा साइज फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है, जो कि एक टूल है फ्लैश टूल। हमें इसके भी एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि जब तक हमारी बायोस फाइल हमें नहीं मिलती है तब तक हमें एक्सट्रैक्ट करते जाना है। और एक्सट्रैक्ट करना भी किसे है? जिसकी फाइल ज्यादा, जिस एप्लीकेशन की साइज ज्यादा हो, जैसे इसकी 4 MB। मैं इस exe को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं एक और exe को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे बायोस फाइल मिल चुकी है। ये 8 MB की मेरी बायोस है, और चूंकि 8 MB से इसका साइज ज्यादा है तो आप ये मानकर चलिए कि ये सिंगल बायोस नहीं है, ये डुअल बायोस है, मतलब कि इसमें KBC और मेन बायोस भी है। तो आपको HXD एडिटर के थ्रू दोनों को अलग करना रहेगा। तो ये तो था एसर की बायोस को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। अब जान लेते हैं लेनोवो की एक्सी बायोस को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेनोवो के लिए भी सेम ये G580 मॉडल है, i7 लैपटॉप की बायोस है ये। तो इसे भी देख लेते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर के बाद 7 ZIP भी बहुत यूजफुल टूल है बायोस exe को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये मैंने लेनोवो का बायोस एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब यहां पे ये देखना है, अभी तक हम क्या करते थे कि हमें बिन FD या WPH कुछ इस तरह से बायोस फाइलें मिलती थी, पर यहां पे हमें कोई भी ऐसा बायोस का फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा। यहां पे सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन है बायोस फाइल का, कि बायोस की साइज। यहां पे आप देख रहे हैं 5 MB का एक डेटा है जो कि 0 नाम से सेव है। तो यहां पे एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है बायोस फाइल का,
नाम कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के इंजीनियर्स हैं जो नाम चाहे दे सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से पहचानना है कि हमारे बायोस से मैच करती साइज किस बायोस की है। तो ये 5 MB का एक फाइल मिला है हमें, तो लगभग मान लीजिए आप इसके 4 MB की बायोस होगी। तो आप इस फाइल को HXG एडिटर के थ्रू मेक और मॉडिफाई कर सकते हैं। यही हमारी बायोस फाइल है। ध्यान देना है हमें साइज से इसे आइडेंटिफाई करना है कि यही हमारी बायोस फाइल है। बाकी आप देख सकते हैं .bss भी बायोस का एक फॉर्मेट होता है। बाकी इसमें ऐसा कोई भी बायोस फाइल का साइज नहीं है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो यही हमारी बायोस की फाइल है। तो ये थी हमारी लेनोवो की बायोस फाइल। हमें फॉर्मेट भी ध्यान में रखना है कई बार, और जिसमें फॉर्मेट नहीं भी है उसे बायोस की फाइल साइज के अनुसार हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे लैपटॉप की बायोस फाइल है। और कुछ बायोस एक्सट्रैक्ट करने के बाद मतलब इजीली ही सेम तरीके से पहले से बनी होती हैं, उन्हें आप बायोस कॉपियर के साथ राइट कर सकते हैं। कुछ बायोस ऐसी भी होती हैं जो मेन बायोस फाइल से ज्यादा MB की होती हैं, उन्हें हमें HXT हेक्स एडिटर के थ्रू अलग करके ना होता है। तो इसके लिए अलग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी बायोस को रीड करा के सेव कर लें KBC और मेन बायोस को। फिर आप पहले KBC बायोस को HXD एडिटर के थ्रू अलग करेंगे, फिर मेन सिस्टम बायोस को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।